देख रहे, देखो देखो। ए ट्राई अगेन, ट्राई अगेन करो करो करो। नहीं अभी भी नहीं हुआ। हाय फ्रेंड, हाय। तो हम अभी आ गए हैं गया में और जा रहे हैं विष्णुपद मंदिर। 15 मिनट लगेगा जाने में ना, तो चलिए हम जा रहे हैं और दिखाते हैं विष्णुपद। विष्णु जी का पद चिन्ह। और यहाँ देखिए गया में काफी पुराना पुराना मकान दिख जाएगा आपको। क्या देखिए, और जाम लगने के कारण हम लोग को पैदल जाना पड़ रहा है। अभी कुछ दूर और है। एक बार गए हो? किसके साथ गया था? भैया किधर है विष्णुपद जाने का रास्ता? सीधा सीधा। देखिए लोग नहा के भी वापस लौट रहे हैं, सब पूजा पाठ करके ना। बहुत सारे लोग रिटर्न भी हो रहे हैं और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। कितना दूर और है भैया विष्णुपद? वो अब पहुंचने वाले हैं। देखिए सारी महिलाएं वापस लौट रही है पूजा करके। नहीं, ये सब लोग वापस पूजा करके लौट रहे हैं। अब हम लोग पहुंचने वाले ही हैं। देखिए भीड़ लोगों का, सब बाल मुड़ा के काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ कार्तिकपुर में कभी यहाँ स्नान करने के लिए। बाद में चलो, और इधर भी ना। और हम लोग पहुंच गए हैं देखिए ऊपर विष्णुपद द्वार। श्री विष्णुपद द्वार आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ रहा लंगर लगल है। और ये देखिए इधर लंगर भी चल रहा है। शायद में गरीब लोग भिक्षा मांगते हुए। और ये विष्णुपद मंदिर के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं देखिए, काफी संख्या में भीड़ है यहाँ। कार्तिक पूर्णिमा का दिन, बाहर में लिखा रहेगा ना, वीडियो नहीं बनाना रहेगा तो कहाँ लिखा है? और इधर फास्ट फूड लगा हुआ है नहीं बस। ये देख के मेन द्वार विष्णु जी का, इधर जाने। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं विष्णुपद मंदिर। हाँ लिखा है कि नहीं बनाना। और ये देखिए इधर बाजार लगा हुआ, पूरा मस्त लग रहा है एकदम कलरफुल। विष्णुपद गया, आप लोग भी कभी घूमने आइए। इधर इधर चलो, काफी दूर दूर से लोग आते हैं।
इधर देखिए महिलाओं के लिए पूरा बाजार लगा हुआ है। कहाँ पे इससे फोटो देना तक अंदर में ना काफी मस्त नजारा। और हम लोग मंदिर परिसर में आ गए हैं। इधर देखिए पंडित जी ऑर्डर दिए हैं कि ले लीजिए फोटो, तब हम लोग फोटो ले रहे हैं। ऐसे लाओ नहीं है फोटो लेने का। ये मंदिर परिसर का अंदर का है नजारा, देखिए काफी मस्त। क्या चलना है उधर? देखिए लोग अंदर जाते हुए। काफी संख्या और हम लोग जा रहे हैं फल्गु नदी की तरफ। फल्गु नदी जाने वाला रास्ता है, बहुत ही फेमस गया का, बिहार में फेमस। और हम लोग ये फल्गु नदी के किनारे देखे हम लोग पहुंच चुके हैं। काफी मस्त नजारा दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए क्या व्यू आ रहा है, वाओ काफी मस्त सीन यहाँ पर से आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दूर दूर तक काफी भीड़ है। आने से पहले लोग तो अपने सर को मुंडवा लेते हैं। यही है नज़ारा विष्णुपद मंदिर का। आप लोग भी कभी आइए घूमने। तुम रुक गया था? हम लोग मंदिर का गर्भगृह में जा रहे हैं। काफी भीड़, चलने में भी परेशानी हो रही है। और ये पंडित जी देखिए अपना दक्षिणा मांगते हुए टका टका टका। देखो टका टका मांग रहे लोग।
सबसे बाद देखिए टका मिलता हुआ पंडित जी को। ये देखिए सारा इधर पत्थर से ही बना हुआ है, नीचे देखिए कहीं सीमेंट नहीं दिखेगा, सारा ये पत्थर को कटिंग किया गया है पहाड़ को। ये देखिए अच्छा ब्रिज, अच्छा वाट, काफी अद्भुत, इसमें जो जड़ें निकली हुई है काफी फेमस। काफी लोग अभी भी आ रहे हैं। फिर से करो। बेचारा, हाँ चलो हो गया कंप्लीट। और ये फाइनली घंटे को बजा दिया है, चलो हम भी बजा। यहाँ पे लोग साधना करते हुए बैठ के भगवान का प्रार्थना ध्यान करते हुए, देखिए गर्भगृह का नज़ारा अंदर है, जब गिरी से थोड़ा एक कदम दूर है हम लोग अभी। काफी बड़ा घंटा, उसका आवाज देखिए काफी गूंज रहा है। 30-40 केजी से कम नहीं होगा घंटा का वजन मेरे हिसाब से। देखिए भस्म जलता हुआ, इसकी नक्काशी देखिए नजदीक से, पूरा पत्थर है, कहीं आपको सीमेंट नहीं दिखेगा, पूरा पत्थर से किया गया है। पत्थर से किया हुआ पूरा नक्काशी किया है। दूर तक आप लोग देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, कृपया जूता चप्पल यहाँ नहीं खोलें, जिला प्रशासन गया। देखिए कितनी संख्या में यहाँ जूता चप्पल खोला हुआ, क्योंकि यहाँ जूता चप्पल का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, इसी कारण से लोग क्या करें, दूर से आते हैं देखने के लिए तो कहाँ रखेंगे अपने जूता चप्पल, खोल देते हैं। लोगों की गलतियाँ नहीं, यहाँ का प्रशासन का गलती है, जूता चप्पल का व्यवस्था रखने का करना चाहिए था। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होगा, तो फ्रेंड आप लोग बताइए आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और विष्णुपद घूमने आप लोग भी आइए टाइम निकाल के, विष्णु जी का जो पद चिन्ह है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ज़रूर आइएगा। और जो भी चैनल पे न्यू आ रहे हैं, जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।